बता क्या बनाना सीखेगा, वेज या नॉन वेज? जो सबसे आसान हो और ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बस यही तो दिक्कत है तुम यूथ जनरेशन की, आसान चीजें करनी है बट मेहनत नहीं करनी। अच्छा चल बताना क्या सिखाऊं तुझे बनाना। कुछ भी वेज में क्या सिखाऊं तुझे? हाँ आज हम बनाएंगे माँ के पकोड़े। क्या माँ के पकोड़े? हाँ माँ के पकोड़े। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे कढ़ाई, नहीं सबसे पहले लेंगे रेसिपी बुक। वहां से चला रेसिपी बुक उठा। पर आपको तो आता है ना बनाना? ओह नो। हाँ वो क्या है ना बेटा, काफी दिन हो गए तो रेसिपी याद नहीं है, तो बस एक बार रिवीजन के लिए देख रहा हूँ। हाँ तो हमें सबसे पहले लेना है कढ़ाई। अब हम उसमें डालेंगे बेसन। क्या डालेंगे? बेसन। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी उठा वहां से और डाल दे। अबे पूरा पानी डाल दिया क्या? वाह बेटा वाह, यही तो प्रॉब्लम है तेरी उम्र के बच्चों की, हाथ को रोक कर ही चलते हैं। जब भी कहते हैं हाथ को रोक कर चला करो। अब इसमें बेसन का है, पूरा पानी पानी कर दिया। अब इसमें डालेंगे एक आलू, सिर्फ एक आलू का पीस। हाँ तुझे ही तो खाना है ना, तो एक आलू का पीस। अगर दो लोगों के लिए बनाना हो तो दो आलू का पीस। अच्छा अगर 100 लोगों के लिए बनाना हो तो बेटा फिर तो बजट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका जितना बजट उतने माँ के पकौड़े। अब इसमें डालो थोड़ा नमक। हाँ मैंने सुना है स्वाद अनुसार नमक डालना होता है। बस ज्यादा हो गया क्या? मैं ये कह रहा हूँ बस इतना सा नमक। हाँ तूने तो कहा था स्वाद अनुसार नमक डालना होता है। और अब इसके साथ में डालो मिर्ची। हाँ थोड़े चटपटे बनाएंगे माँ के पकौड़े, नहीं अगर मिर्ची थोड़ी देर ज्यादा हो गई तो सुबह परेशान करेगी। पापा मैं क्या कह रहा हूँ, जब माँ के पकौड़े बन ही रहे हैं तो चाय भी बना लेते हैं। हाँ वेरी गुड आइडिया। हाँ पता था, पता नहीं सुबह से लगे पड़े हैं, बाप बेटे क्या पता क्या बना रहे हैं। चाय का नाम सुना नहीं और आगे नंगे बूढ़े की तरह मेरी भी एक चाय बना दो, मेरी भी एक चाय बना दो। चल चाय बना।